सो हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। टुडे इज़ 24th of April। सुबह के अराउंड 11 बज चुके हैं, क्लास मेरी 11:30 पे है। तो मैं अभी निकल गया हूँ, जा रहा हूँ बस क्लास के लिए। अभी जस्ट बस लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास चलेंगे। और आज मेरी थेरेपी के साइकिल का 4th डे है, और इसके बाद शायद 6 दिन क्लासेज और लगेंगे, फिर ये वाली साइकिल भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलो गाइस, चलते हैं हॉस्पिटल, क्लास अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं। तो गाइस, फाइनली मैं हॉस्पिटल के पास आ चुका हूँ, और आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है। टेम्परेचर की बात की जाए तो आज 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही फ़िलहाल। तो अभी देखते हैं दोपहर में कितनी होती है। तो चलो गाइस, अभी हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। टाइम ऑलरेडी हो चुका है, जल्दी चलते हैं, क्लास अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं। तो गाइस, मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी और मैं निकल के आ गया था। ऑलरेडी हॉस्टल आ चुका था मैं। एक बार जैकेट उतार के रख दिया है मैंने, बैग वगैरह सामान सब रख दिया है, और अभी थोड़ा वॉक करने के लिए निकला था लंच करने के बाद में। तो चलो गाइस, मैं हॉस्टल के पास में एक पार्क है, अमेजोनिया नाम है इसका, तो मैं इधर पर आया हूँ। तो आप लोग को आज अमेजोनिया घुमाता हूँ, तो चलो। तो गाइस देखो, यहाँ से इसका एंट्रेंस चालू है। और गाइस, यहाँ पर एंट्रेंस में ही एक पिलर सा बना हुआ है, इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, पर ये जो जस्ट मेरे पीछे है पिलर, इसमें सारे के सारे रिलीजन से रिलेटेड सिंबल्स बने हुए हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना हुआ है, और इस साइड पर देखो, यहाँ पर ओम भी बना हुआ है। गाइस चलो, अभी अंदर चलते हैं और मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। तो गाइस, यहाँ एंट्रेंस पे ही एक फाउंटेन सा बना हुआ है, पर अभी ये चालू नहीं हुआ है। पानी भर दिए हैं बट ये अभी चालू नहीं हुआ है, नहीं तो ये समर्स में चालू होता है, और विंटर्स में तो पूरी बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ये। तो गाइस, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर मेरे पीछे में जो स्टेज दिख रहा है, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, रुको। तो गाइस, ये जो ग्रिल दिख रही है, ये ग्रिल के अंदर में विंटर्स के टाइम पे ये स्केटिंग रिंग होती है, और अभी पूरी बर्फ़ पिघल चुकी है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर और भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज बना हुआ है सामने, दिख रहा होगा आप लोग को। तो गाइस, अपने यहाँ जैसे मीना बाज़ार चलते हैं, वैसे यहाँ पर समर्स आते आते बच्चों के लिए झूले वगैरह चालू हो जाते हैं, जो बहुत सारे आयरन से बने हुए झूले हैं उन्हें ये पैक कर देते हैं, और जो सारे ये हवा वाले हैं, मुझे नाम भी नहीं पता ही नहीं क्या बोलते हैं, तो ये सारे के सारे समर्स में चालू होते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये है वो, इसमें बच्चे लोग जंप वगैरह करते हैं ना, एयर भरा हुआ रहता है अंदर में हवा, तो ये वो है। और यहाँ पर बच्चों के झूले लगे हुए हैं पूरे। तो गाइस, इस पार्क में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो फिर एक छोटी सी कैंटीन सी दिखती है, ये जस्ट मेरे पीछे में हॉट डॉग लिखा हुआ है, तो ये एक छोटी सी कैंटीन है यहाँ पर। और गाइस, मेरे जस्ट पीछे में ये एक प्लैनेटेरिया है, ये अपने यहाँ पर भी होता है प्लैनेटेरिया, मुझे याद है मैं जब छोटा था तो कहाँ पर तो गया था घूमने के लिए, मुझे याद नहीं है, बट हाँ इंडिया में भी प्लैनेटेरिया में किसी क्लब में तो गया था। तो गाइस, यहाँ सामने में बोर्ड सा लगा हुआ है, इसमें शो कर रहा है कि इसमें ये प्लैनेटेरिया में क्या क्या दिखाता है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसमें बहुत ख़ास चीज़ देखने को मिली है मुझे एक, तो देखो ये, देखो जगन्नाथ जी। और भी एक चीज़ है यहाँ पर आगे, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखो इसमें है गोपाल। तो गाइज, अगर हम इसी रास्ते में सीधे सीधे जाते जाते हैं तो यहाँ पर 2-3 मैरिज लॉन्स टाइप के हैं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं पास, बहुत पास तो नहीं जाऊँगा, यहीं से मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो गाइज देखो, ये लाइन से 3 मैरिज लॉन्स हैं,
और ये नाइट में यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर होता है। तो गाइज़ अभी मैं वॉक करते करते, ये अमेजोनिया पूरा सर्कल में है एक तरीके से, तो मैं अभी दूसरे साइड पर आ चुका हूँ। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, इसका व्यू काफ़ी सही है, मतलब चारों तरफ से जंगल है और बीच में रेस्टोरेंट है। मैं दिखाता हूँ भाई, देखो काफ़ी सही लगता है ये वाला रेस्टोरेंट। और गाइस जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि बच्चों के जो झूले होते हैं वो समर्स में चालू हो जाते हैं, तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर सारे झूले हैं बच्चों के लिए, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो देखो गाइस ये यहाँ पर बच्चों की ट्रेन है, यहाँ पर वो जंपिंग वाला है, और ये अपने यहाँ जो मीना बाज़ार में झूले लगते थे बिल्कुल वैसे ही है। आज क्योंकि वीकडे है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बहुत कम लोग हैं, अदरवाइज़ संडे या फिर वीकेंड्स वगैरह हो तो उस दिन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। पर आज भाई मंडे फर्स्ट वीकडे, तो सब अपने अपने काम में बिज़ी होंगे, इसलिए आज काफ़ी खाली है। एक ये वाला झूला है, एक उधर पे भी है, और एक ये वाला है गाइस। और गाइस ये वाला ये जो झूला है सामने में, ये मुझे तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगता है। इसमें सब बैठ जाने के बाद में वो जो ऊपर वाला है, वो ऊपर जाता है और उसके बाद में ज़ोर से घूमता है, और वो मैनुअल जैसे अपन पैर से झूलते हैं झूले उसमें वैसे ही लगे हुए हैं, बट बहुत ज़ोर से घूमता है वो, मैं तो उसमें कभी कभी भी नहीं जा पाऊँगा। और गाइज़ ये वाला तो अपने यहाँ भी आता है मीना बाज़ार में, तो ये वाले में छोटे में तो मैं भी काफ़ी बार बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी है ये। और गाइज़ यहाँ पर वो डिस्को कार वाला एरिया है, तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोग को। वैसे आप लोग पहले से भी जानते हो कि ये जो पीछे में खड़ी हुई है ये कार्स हैं, इधर पे पूरा ये एरिया डिस्को कार का है। और गाइज़ मेरे सामने एक झूला और है, इसका तो मोमेंट मुझे आज तक समझ नहीं आया, बहुत ही ख़तरनाक मोमेंट है, मतलब ये कभी भी कैसा भी घूम जाता है। मैं आपको थोड़ा एक झलक दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला झूला, मतलब ऊपर उठने के बाद कभी क्लॉक वाइज कभी एंटी क्लॉक वाइज उल्टा सीधा, पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे मूवमेंट हैं इसके अंदर में। मगर अभी मैं जहाँ पर आकर बैठा हुआ हूँ ये बिल्कुल सेंट्रल एरिया है इस अमेजोनिया पार्क का, तो मैं बस अभी यहाँ थोड़ा बैठा हुआ थक गया हूँ, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो मैं एक राउंड ऑलमोस्ट मार चुका हूँ अभी, हाफ तो नहीं बट फिर भी अराउंड 30% और बचा होगा, तो अभी थोड़ा 5 मिनट लगता हूँ उसके बाद चलता हूँ। वेल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग, ये सेंट्रल एरिया जो है अमेजोनिया का, यहाँ पर एक बार एंड रेस्टोरेंट है सामने में, काफ़ी सही है वो भी, मैं दिखाता हूँ। वेल खाली बार एंड रेस्टोरेंट ही नहीं, मैं पूरा आप लोग को सेंट्रल एरिया थोड़ा सा घुमा कर दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर वह स्टेज लगा हुआ है, कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पर होता है, इवन न्यू ईयर्स का भी यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है। इसके पीछे में ये जायंट व्हील है, इससे भी बड़ा एक जायंट व्हील है वो जालिब में है, मैं किसी दिन जाऊँगा जालिब तो फिर ज़रूर दिखाऊँगा। और बाकी गाइस वो राइट साइड पे देखो, वो वाली वो जो बिल्डिंग है, ये है वो बार एंड रेस्टोरेंट, काफ़ी सही है वो। और वो जो रेड वाला दिख रहा है ना, वो पुराने ज़माने में वो जो लैंडलाइन कॉल्स होती थी, शायद PCO बोलते थे, तो वो है, उसे उन लोग ने अभी भी बचा कर रखा हुआ है, तो मैं अभी उसके पास चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोग को। पर फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ, उठूँगा जब उधर चलूँगा तो दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये वो PCO है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये देखो यहाँ पर वो टेलीफोन भी लगा हुआ है, और जैसे पहले हुआ करता था बट इसे लॉक कर दिए हैं, अब इसे कोई खोल नहीं सकता है। और गाइज़ अपने यहाँ जैसे 7D सिनेमा होता है मॉल्स वगैरह में लगा होता है, यहाँ पर 7D सिनेमा यहाँ ओपन पे लगा हुआ है, मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये गाइज छोटे से स्टॉल है, उधर से गेट खुला हुआ है उसका, तो यहाँ पर अंदर में बैठ कर देखते हैं, 7D है ये। और गाइज़ ये जो छोटी छोटी कार्स खड़ी हुई है, ये बच्चे लोग की वो इलेक्ट्रॉनिक कार है, इसमें बच्चे लोग बैठ जाते हैं फिर पेरेंट्स उसको रिमोट से कंट्रोल करके उनको घुमाते हैं। चलो गाइज़ अभी मूव करते हैं दूसरे साइड पे, मैं थोड़ा बहुत और घुमाता हूँ आप लोग को पार्क। गाइज़ अभी मैं वॉक कर रहा हूँ दूसरे साइड पर, और मैं दिखाता हूँ आप लोग को
यहाँ पीछे में ये जो ऑरेंज टाइप का दिख रहा है मेरे इस साइड पे यहाँ पर, तो यहाँ से रोप्स बांधी हुई है। अब मुझे पता नहीं किस लिए बांधी है। वेल, अभी तक मुझे जितना पता चला है वो यहाँ पर जिप लाइन जो होती है वो चालू करने का था इनका। अभी तक चालू नहीं हुआ है तो मैं कंफर्म बोल नहीं सकता, पर फिर भी मैं थोड़ा दिखाता हूँ। तो गाइस वहाँ पर एक पिलर है, वहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है और ये पूरी की पूरी रोप गई हुई है वो वहाँ तक है। तो गाइस वहाँ से यहाँ तक का है शायद जिप लाइन बनाने का, बाकी देखते हैं आगे फ्यूचर में बनता है या नहीं बनता है। और गाइस अपने यहाँ भी जो रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें जैसा क्या एडवेंचर वाले रहते हैं ना, ऊपर में पेड़ के ऊपर में बंधे हुए रहते हैं, रोप से बंधे रहते हैं और चल चल के जाना होता है, बहुत सारे मतलब टफ़ टास्क जैसे होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर भी है। मैं दिखाता हूँ, मैं आज तक गया तो नहीं हूँ उसमें, पर यहाँ पर भी है वो, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये है वो, चारों तरफ से नेट बंधा हुआ है और काफ़ी दूर तक है, इवन आई डोंट नो कितना दूर तक है, पूरा राउंड बना हुआ है। और गाइस एक ये ग्लोब वाला झूला है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, मैंने एक बार इसको देखा था चलते हुए, मैं दिखाता हूँ। ये इसका मूवमेंट बिल्कुल समझ नहीं सकते, ये ऐसा है और ये गोल गोल, कभी क्लॉक वाइज कभी एंटी क्लॉक वाइज उल्टा सीधा चारों डायरेक्शन में चलता है ये वाला। और गाइस सबसे ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोग को इस पार्क के अंदर जो है, देखो गाइस ये गो कार्ट है, इसका पूरा ट्रैक बना हुआ है यहाँ से पूरा सर्कल करके काफ़ी दूर तक है, काफ़ी बड़ा है। तो गाइस इसका लास्ट ईयर रेट अराउंड 500 था, कुछ राउंड्स का रहता है या कुछ मिनट्स का रहता है मुझे पता नहीं है, और इस साल कितना रेट है मालूम नहीं है मुझे, क्योंकि मैं कभी गया नहीं गो कार्टिंग करने के लिए। तो गाइस मैंने अमेज़ोन ही आप लोग को पूरा घुमा दिया है, पूरा एक सर्कल मैंने मार के यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं जो भी कुछ है वो मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ दिखा दिया है। तो गाइस चलो अभी मैं निकल रहा हूँ वापस हॉस्टल के लिए, और वेल हॉस्टल जाने के पहले मुझे मार्केट जाना है क्योंकि कुछ कुछ सामान लेना है। ऑफकोर्स डिनर अभी अराउंड 5:30 हो रहा है टाइम, तो अभी चलते हैं और मार्केट सामान लेंगे और उसके बाद चलते हैं हॉस्टल। वेल तो गाइस फाइनली मैं अभी हॉस्टल आ चुका हूँ और अभी थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि अभी तो अराउंड 6 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं फिर उसके बाद डिनर वगैरह बनाएंगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोग को दिखाया है अमेज़ोनिया वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यार शेयर करो वीडियो को, और इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करो यार, एंड शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।